नमस्कार, यादव के डिजिटल बॉक्स में आज हमारे साथ है प्रीति चंद्रा राय, जहां पर हम जानेंगे प्रीति चंद्रा राय के बारे में और उनके जीवन के बारे में कि उन्होंने अपना जीवन किसके प्रति समर्पित किया हुआ है। तो प्रीति जी, आपका स्वागत करते हैं। प्रीति जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पे आपने शिक्षा प्राप्त की। मेरा जन्म बिहार के, मैं चंपारण जिले की बेटी हूँ। अच्छा। और मुजफ्फरपुर मेरा ससुराल है। अच्छा। और शिक्षा मैंने बिहार में भी ली, पटना में भी ली और दिल्ली में भी ली, क्योंकि शादी के बाद तो आप शिक्षा के लिए और भी जगह जाते हो। हमारी शादी थोड़ी जल्दी हो जाती। हाँ। जल्दी हो गई। और मैं बिहार के एक जमींदार फैमिली की बेटी हूँ और मेरा कार्य क्षेत्र गाज़ियाबाद में रहती हूँ। कार्य क्षेत्र मेरा, कर्म क्षेत्र गाज़ियाबाद है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा की पूर्व क्षेत्रीय मंत्री हूँ। अच्छा। अभी मैं चुनाव संयोजिका हूँ भाजपा महानगर में, पूरा विभाग संभालती हूँ भाजपा महानगर की। और मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, शक्ति वाहिनी की। अच्छा, तो इसमें आपका काम क्या होता है, जो ये परिषद है इसमें क्या काम करती हैं? शक्ति वाहिनी है, शक्ति है ये, हम पूरी परशुराम परिषद की शक्ति हैं हम बहनें। अच्छा। और पूरी बहनें जो हैं हम सारे इकट्ठे होकर, और शक्ति परशुराम परिषद की हम शक्ति हैं, पूरी बहनें हम। अच्छा, इसका गठन जो किया गया, शक्ति वाहिनी का जो गठन किया, किसी उद्देश्य के लिए किया होगा, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसका पीछे का उद्देश्य हम समाज की उन बहनों को अंतिम पंक्ति तक पहुंच के हम बहनों को अपने साथ जोड़ते हैं। जितनी भी सनातनी बहनें हैं, हम धर्म में नहीं बटे हैं, हम कोई भी जितनी भी सनातनी बहनें हम सारे एक साथ खड़े हैं। और हम सारी बहनें, किसी भी बहन की कोई भी समस्या होती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पंडित सुनील बराला जी भाई साहब के साथ सहयोग से, हमारी जो पूरी टीम है राष्ट्रीय परिषद की, उसके सहयोग से किसी भी बहन की समस्या को का निराकरण हमारे पास है। अगर बहनें हमें पुकार देती है तो हम बहन के पास खड़े हो जाते हैं जाकर। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि परशुराम परिषद में आप शक्ति वाहिनी की राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तो आपके हिसाब से जो ये शक्ति है, जो ये महिला है, आज़ादी किस तरह की होनी चाहिए आपकी नज़र से? मेरी नज़र से देखिए, आज़ादी तो आपके, सबसे बड़ी आज़ादी तो क्या है कि आपके मन से, मन को होनी चाहिए। आप मन से आज़ाद हों और मन से जुड़ के काम करें समाज के लिए। आपको, आपको, आपके अंदर भावना होनी चाहिए। किसी भी संगठन से आप जुड़ें, आपके अंदर काम करने की, सेवा की भावना ज़रूर होनी चाहिए। आप अगर सेवा की भावना से काम करते हैं तो तभी आप अगले के दर्द को महसूस कर सकते हैं, और समस्या का समाधान तभी मिलता है जब दर्द आपके अंदर हो। जो दर्द दिखता है दूसरों, दूसरा कोई फ़ोन करे अगर कोई महिला और कि दीदी ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, और वो दर्द आप महसूस करो तभी आप उसका समाधान ढूंढते हो, और हम उसका समाधान ढूंढते हैं। बिल्कुल हर बहन के साथ मैं खड़ी रहती हूँ। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मैं अपने RWA की प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप में रहती हूँ, और कोई भी मेड मेरी क्रॉसिंग रिपब्लिक में, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जिससे आप पूछ लो कि प्रीति दीदी आपके साथ खड़ी होती हैं, तो मुझे लगता है वो ज़रूर कहेगा कि हाँ प्रीति दी को हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। और आप जो इस परिषद से जुड़ी हैं, इसमें क्या आप महिलाओं के को सशक्त करने के लिए ही जुड़ी हैं? नहीं, परिषद में केवल महिलाओं को ही नहीं, परिषद जो है हमारा काम करता है, हम सनातनी हैं, हम सनातनी, मैं गर्व से कहती हूँ, हम हिंदुत्व के लिए, मंदिर के लिए, परशुराम भगवान के लिए काम करना हम के लिए का प्रथम ध्येय हमारा वही है। हमारा प्रथम ध्येय है भगवान परशुराम, श्री परशुराम भगवान के लिए। परशुराम कुंड गए थे हम अभी, और श्री परशुराम भगवान हमारे भगवान हैं, उनके लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातनी बहनों के लिए, सनातनी धर्म के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हम काम करते हैं। पर हमारा परिषद सामाजिक कामों से पीछे नहीं होता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा किसी की भी समस्या को, कोई भी भाई बहन है उनकी समस्या को हम उन तक पहुंचाते हैं, तो वो उनकी समस्या को जरूर ही निराकरण देकर खुद खड़े होकर पूरा करते हैं जी। प्रीति जी, आपने महिलाओं के उत्थान के लिए और जो आपका परशुराम परिषद है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आभार बहन आपका भी। तो यादों के डिजिटल बॉक्स में मिलते हैं अगली बार किसी और से, तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार। यादों के डिजिटल बॉक्स में आज हमारे साथ है प्रशांत।